लोग जीते हैं, तीन लोग जीते हैं, एक चंपारण में, एक हमारी मीशा बहन और एक कलकत्ता। और चुनाव हार गए आपके, हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए मेरे तरफ से मेरी बहन को ढेर सारी शुभकामना कि मेरी बहन ने जीता चुनाव, और भगवान करे कि और आगे जाए, हमारी शुभकामना। बताइए ना, बोलिए। आप लालू परिवार से भी ताल्लुका रखते हैं, देखिए सवाल यहाँ के लोगों से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि कौन सरकार बेहतर है, कौन कितना बेहतर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकल इंसान हूँ नहीं, मेरे किसी से व्यक्तिगत रिश्ता होना अलग विषय हो गया। तो मैं इंसान हूँ तो रिश्ता तो बनना ही है, मैं बिहार का हूँ तो बिहार के लोगों से परिचय तो होना ही है, तो वो अलग विषय हो गया। बट मैं, मेरा जो विषय है, मेरा सिनेमा का विषय, मेरी कोशिश है सिनेमा बेहतर हो और मैं रंगदेव बसंती के लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कार्यक्रम ये है कि रंगदेव बसंती बहुत भव्य तरीके से रिलीज हो रही है और मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ओपन हो रहा है। तो हमारी प्रयास है कि एक जिस तरह बाकी हिंदी साउथ के लोग अपने सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमारे हिमांशु सर, रोशन सर, हमारी रति पांडे जी, डायना खान, सब लोग मिलके और पूरी मैं भोजपुरी मिलकर एक अच्छी प्रयास कर रही है, उसी के साथ उसी के प्रमोशन में। आपने चुनाव में दो तीन जगह प्रचार किया, अब देखिए कहाँ फंसा रहे हैं आप। तीन लोग जीते हैं, तीन लोग जीते हैं, एक चंपारण में, एक हमारी मीशा बहन और एक कलकत्ता। और मेरा चुनाव हार गए आपके, हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए छोड़िए चुनाव के बाद कहाँ कर रहे हैं। भैया अभी जो हम आए हैं ना, हम यहाँ चुनाव किसी का शपथ ग्रहण कराने नहीं आए हैं, हम आए हैं अपने सिनेमा के प्रचार के लिए और अपने सिनेमा के लिए, क्योंकि वो भी एक जरिया है लोगों के लिए रोजगार के लिए, और भोजपुरी को बड़ा करने के लिए बात करना है हमें, भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने की बात करनी है, ये नहीं कि कौन शपथ कर रहा है या कौन समर्थन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स में जो हमारी सिनेमा लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही है, लेकिन ये रंगदेव बसंती लग रही है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि सरकार भी इस पर अमल करे और हमारे सिनेमाओं को थोड़ा सा बेहतर प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए जो गाते हैं उनको रोक नहीं सकते हम, अगर बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, बेहतर चीज़ों को दुनिया पसंद करना शुरू करेगी, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो जब हम बेहतर चीज़ें करेंगे तो बदलाव हमें ही करना है, आज जनता ने कुछ कुछ चीज़ें बदली ना, तो बदलना तो जनता को ही है, तो बेहतर आप सोचेंगे तभी बेहतर होने वाला है। मेरे तरफ से मेरी बहन को ढेर सारी शुभकामना कि मेरी बहन ने जीता चुनाव, और भगवान करे कि और आगे जाए, हमारी शुभकामना है। उनके लिए भी, उनके लिए भी शुभ, पूरी परिवार के लिए हम शुभकामना देना चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई सिनेमा भी आगे बढ़े, वो बड़ा जरूरी है। बाद में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।